बोलो करण। दीदी एक काम करो, इसके लिए ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी से कुछ नहीं होगा, एक काम करो इसको पार्टी से लेकर जाओ। नहीं नहीं नहीं, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई कैन मैनेज माई सेल्फ। एक सेकेंड। ओह, इसका मतलब शौर्य ने ट्रेन की है। अभी सैंडी, मुझे ना ब्लैक कॉफी चाहिए इस वक्त। नहीं, ये लेकर नहीं आना है, मैं ही आ रहा हूं तेरे पास। या ओके, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। मैं ना सब कुछ मैनेज कर सकता हूं, ब्लैक कॉफी, घर, कपड़े, एवरीथिंग। बट डैड के बिना, मैं डैड के बिना कुछ भी कैसे मैनेज कर सकता हूं? सोच भी नहीं सकता। हाँ डैड, मुझे मेरे डैड चाहिए। हर जगह, हर वक्त, हर चीज में मेरे लिए मुझे मेरे डैड चाहिए। पर मेरे डैड के पास टाइम ही नहीं है। मेरे लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। उनके पास टाइम है तो वो राजवीर के लिए। उस राजवीर के लिए वो हमेशा अवेलेबल है, दैट्स फॉर श्योर। श्योर डैड, क्या कहूं मैं आपसे डैड? मैं अरेस्ट हुआ। अरेस्ट हुआ, आपको बताया क्यों अरेस्ट हुआ? अरेस्ट होने के बाद अंशुमन ने आपको एक ऑफर दिया था कि अपनी आधी प्रॉपर्टी दो और अपने बेटे शौर्य को रिलीज करवा लो। पर आपने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया डैड। आपने अपनी प्रॉपर्टी बचा ली पर अपना बेटा त्याग दिया डैड। फिर क्या हुआ? और राजवीर अरेस्ट हुआ और उसके बाद आप जैसे हाइपर ही हो गए। उसे रिलीज करवाने के लिए आप डेस्परेट हो गए डैड। और फिर आपने क्या किया? आपने अपने पूरी प्रॉपर्टी त्याग दी उसे छुड़ाने के लिए। डैड, मैं आपका बेटा हूं। आपका आपका खून है मेरी बॉडी में, मेरी रगों में आपका खून दौड़ रहा है डैड। मेरा रिश्ता है आपसे डैड। राजवीर कौन है? क्या लगता है वो आपका?